मिक्सचर लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन, उसको ड्राई कर लिया धो के अच्छी तरह, फिर मैंने इस तरह सिंगर की तरह लंबे लंबे स्लाइस काटे हैं, इस तरह मैंने इसके स्लाइस काट लिए। ये डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून मैं नमक का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च, 1/2 टीस्पून मैरिनेट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक बॉल लूंगी, ये बेसन पाउडर है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैं मैदे के डालूंगी, 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑनियन का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक डालूंगी 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ये डाल दूंगी 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर, स्मोकी पाउडर ये डालूंगी 1 टीस्पून, इसको हम कर लेंगे मिक्स। चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसमें डाल के ऐसे कोट कर देंगे। कोट करने के बाद इसको हम निकाल के प्लेट में डालते जाएंगे। अब हम इसी तरह कोट कर करके चलिए जी, देखिए अब हमने सबको लगा के इस तरह थोड़ी देर के लिए इसको रख लेंगे। ये मैंने 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए, इनको मैंने धो लिए अच्छी तरह से, धोने के बाद अब हम इसके स्लाइस करेंगे। इसका छिलका नहीं मैंने उतारा, अब हम इस तरह बड़े बड़े स्लाइस कर लेंगे इसके, और इस पे हल्की सी काली मिर्च, नमक और रेड मिर्च और जैतून का ऑयल लगा के हम इसको ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने, हल्का सा नमक डालेंगे, अपनी पसंद के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च, चिली, बच्चों को देने तो कम डालें, खुद खाने तो ज्यादा डाल लें। ये जैतून का ऑयल 2 चम्मच डालूंगी, चले जी अब हम इसको एक बॉल में डाल के इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको जरा आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर इसको बेक करने के लिए रख देंगे। चले जी हम इसमें आलू को इसमें लगा के बेक के लिए रख देंगे। इसको एयर फ्रायर में रख देंगे। चलिए जिसका टाइम पूरा हो गया, हम निकाल के देखते हैं। ये देखिए जी कितने गर्मा गर्म बने हैं। चलिए जी मैंने इसमें ऑयल डाल दिए, एक हम पीस उठा के इसमें डाल के जाएंगे। आप किचन टॉवल लगा लें और इसमें अब हम एक एक पीस रखते जाएंगे। थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लें, फिर आप सबको दोबारा उसी ऑयल में डाल के ब्राउन कर लें, वो भी सारे
कच्चे डाल देंगे एक दफा। चलिए जी, एक मैंने पैन लिया, ये बारबेक्यू सॉस है, ये मैं तकरीबन 1 बॉल डालूंगी। ये मैंने केचप ली है, ये भी मैं 4 से 5 टेबलस्पून इसमें केचप के डाल दूंगी। डार्क वाली सोया सॉस ली है, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी। ये हनी, ये मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी। नमक थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने उसमें भी डाला था, 1/4 टीस्पून नमक का। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, रेड चिली। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ज्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए मैं ये बाद में अगर डालनी होगी तो डालूंगी। जी, फ्लेम को ऑन करते हैं, सारा चिकन इसमें डाल देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें बनाएंगे और उसके बाद खाएंगे। हम बटर भी डाल देंगे टेस्ट को और ज्यादा अच्छा करने के लिए। ज्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून। एयर फ्राइज से अपने फ्राइज भी निकालते हैं और ये भी डालते हैं और इसको डिस्प्ले करते हैं। चलिए जी, हमारे चिकन बन गए, तैयार हो गए, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जरूर ट्राई कीजिए, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी डिनर बनता है। आलू भी बनाने मैंने आपको सिखाए हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप स्टीम भी कर सकते हैं, ओवन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।